कक्षा 11 गणित में टॉपिक है हमारा गणितीय आगमन का सिद्धांत। नया चैप्टर है गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम लोग कथन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है कथन। सबसे पहले कथन के बारे में जानते हैं। तो कथन क्या होता है, तो यह है कथन से कहते हैं शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें इसमें सत्य या असत्य होने की स्थिति, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सत्य या असत्य होने की स्थिति निर्धारित होती है, निर्धारित होती है उसे कथन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। कथन क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सत्य या असत्य होने की स्थिति निर्धारित होती है उसे कथन कहते हैं, या ऐसे वाक्य जो सत्य या असत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है उसे कथन कहते हैं, उसे कथन कहते कहते हैं। जैसे जैसे पहला उदाहरण, राम एक आदमी है, राम एक आदमी है, या कोई वाक्य है, या तो यह सत्य हो सकता है या तो असत्य, चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो उसको हम लोग जो है कथन कहते हैं। कथन क्या है, यह कथन है। दूसरा उदाहरण है, दो और दो पांच होते हैं, दो और दो पांच होते हैं, यह भी कथन है। क्यों कथन है, दो और दो चाहे चार हो चाहे पांच हो माने सत्य हो सकता है या असत्य हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कथन कहते हैं। लेकिन तीसरा हम देखो ऐसा, क्या यह एक गिलास है, देखो ये कथन नहीं है, कथन नहीं है, कथन नहीं है, ये कथन नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ठीक है। इसमें सत्य व असत्य वाली बात नहीं है, क्या यह एक गिलास है, न इसको कोई सत्य कह सकता है न असत्य, क्योंकि इसमें राम एक आदमी है, या सत्य हो सकता है या असत्य, दो और दो पांच होते हैं, या सत्य हो सकता है या असत्य, क्या यह एक गिलास है, इसमें सत्य और असत्य की कोई बातें नहीं है। जैसे यहां आओ, यह भी कथन नहीं है, कथन नहीं है, ठीक। यहां आओ वो तो बुला रहा है, यहां आओ, इसमें सत्य और असत्य की कोई बात नहीं है, मतलब कथन किसे कहते हैं जिसमें सत्य और असत्य के लिए लड़ाई हो जाए कि ये बात सत्य है और कुछ लोग कहे असत्य है, तो उसको हम लोग कथन कहते हैं, ठीक। तो कथन में क्या है, राम एक आदमी है कथन है, दो और दो पांच होते हैं कथन है, और कथन है जैसे ए के ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या संख्या ए माइनस एक है, यह भी कथन है, या तो सत्य हो सकता है या असत्य, कथन, ठीक। तो ये कथन हो गया। अभी गणितीय आगमन का सिद्धांत तक पहुंचने के लिए अभी हमें कुछ बातों को, कुछ शब्दों को अच्छी तरीके से जानना होगा। जैसे कथन हो गया, कथन मतलब ऐसा वाक्य जो हमें सत्य या असत्य होने की स्थिति बतलाए उसको क्या कहते हैं, कथन, ठीक है।
तो कथन का ये उदाहरण हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला शब्द है निगमन। क्या है निगमन? तो निगमन क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब कार्य, मतलब कोई प्रोसेस है, कार्य है, उसको करना पड़ता है। यह एक कार्य है जिसको हम लोग करते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो किसी कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। जैसे राम एक राजा थे, राम एक राजा थे। इसमें देखो एक कथन है। अब इस कथन को सिद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया करेंगे, मतलब एक कार्य करेंगे, और उसी कार्य को हम लोग निगमन करते हैं। क्या करते हैं? निगमन। जैसे दो और दो चार होते हैं, चार होते हैं, तो दो और दो चार होते हैं, इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा? वो वाला जब कार्य हम करेंगे तो वह निगमन हो जाएगा। क्या होगा? निगमन। तो मतलब यह एक प्रक्रिया जो किसी कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं, ठीक। और कोई किसी कथन की सत्यता या असत्यता की जांच करने के लिए जो प्रक्रिया किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कथन, ठीक है। और है जैसे जन प्राकृतिक संख्याओं का योग n n प्लस वन अपान टू होता है। यह एक कथन है। अब इसको सिद्ध करने के लिए जो हम प्रक्रिया करेंगे उसको कहते हैं निगमन। क्या कहते हैं? निगमन। अगला हेडिंग है आगमन। क्या है? आगमन। यह निगमन का विपरीत होता है। इसमें क्या है? कथनों को सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए संभव आंकड़े विकसित किए जाते हैं, विकसित करना ही आगमन कहलाता है, आगमन कहलाता है। आगमन क्या होता है? कथन को सिद्ध करने के लिए जैसे कुछ हम लोग आंकड़ा एकत्रित करेंगे, और उसी आंकड़ा जब एकत्रित करते हैं उस क्रिया को हम लोग आगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगमन। निगमन क्या होता है? एक कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, मतलब कथन को सिद्ध करने के लिए जितना प्रोसेस करेंगे सब निगमन होता है। लेकिन कथन को जब सिद्ध करने के लिए जो आंकड़ा हम व्यवस्थित करेंगे उसको हम लोग आगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आगमन। गणितीय कथन ये क्या होता है? यह एक ऐसा कथन होता है जिसमें गणितीय संबंध, इसमें गणितीय संबंध। गणितीय कथन क्या है? ऐसा कथन जिसमें गणितीय संबंध हो, गणितीय संबंध उपस्थित हो, उपस्थित हो, उसे गणितीय कथन कहते हैं, गणितीय कथन कहते हैं। इसे धन पूर्णांक n के रूप में व्यक्त किया जाता है, या
जाता है। ठीक, जैसे यन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या था, यन यन प्लस वन अपान टू। ठीक, ये सब गणकी कथन है। देखो इसमें यन आ गया ना, गणकी कथन में गणित का, गणित के भाषा का उपयोग हुआ उसमें, और इसमें यन मतलब वह यन के रूप में व्यक्त होगा। किसके रूप में व्यक्त होगा, यन के रूप में। जैसे मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान देखो, जैसे उदाहरण के लिए 8 2 से भाज्य है। ठीक, दूसरा 2 से विभाजित है, होने वाली संख्या सम होती है, सम होती है। यहां क्या है, तीसरा, इसका मतलब 8 क्या है, 8 एक सम संख्या, 8 एक सम संख्या है। यहां बात ध्यान से देखिए, देखिए इसमें भी गणित का भाषा का उपयोग है, इसमें भी गणित की भाषा का उपयोग है, इसमें भी गणित की भाषा का उपयोग है। इसलिए क्या है, गणितीय कथन है। क्या है, गणितीय कथन। अब हमें परिभाषा लिखना है, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब हम क्या जानेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या क्या जाने, पहले कथन। कथन क्या होता है, जो वाक्य सत्य या असत्य होने की स्थिति बताए वो क्या है, कथन है। दूसरा गणितीय कथन। गणितीय कथन क्या होता है, मतलब ऐसा कथन जिसमें गणित की भाषा का उपयोग हो, उसे क्या कहते हैं, गणितीय कथन कहते हैं। जैसे है, ठीक है, इसे यानी से द्विमुख प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा हम लोग निगमन क्या पढ़े, निगमन। निगमन क्या है, कथन को सिद्ध करने की प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है जो कथन के सत्य या असत्य होने की स्थिति को दर्शाता है, वह निगमन है। फिर आगमन हम लोग पढ़े, कथन को सिद्ध करने के जो आंकड़े व्यवस्थित किया जाता है वो आगमन है। अब हम लोग चलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। आगमन सिद्धांत में गणितीय कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित सिद्धांत गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। इसमें क्या होता है, गणितीय कथन जो होता है उसको सिद्ध करने के लिए जो लोग हम तकनीकी विशिष्ट तकनीकी पर आधारित जो सिद्धांत का उपयोग, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन Pn प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए सत्य है। अब इसको हमें सिद्ध करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे, इसका जो है क्रिया विधि देखो क्या है, गणितीय आगमन के सिद्धांत के आधार पर हम लोग इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि मतलब यह प्राकृतिक संख्या, यह कथन Pn प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए सिद्ध है। इसमें हम लोग देखो आंकड़ा एकत्रित करते हैं, क्या क्या करते हैं, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसको ध्यान दीजिए। पहला Pn n बराबर एक के लिए सत्य होना चाहिए, n बराबर एक के लिए सत्य होगा। दूसरा एक चीज ध्यान देना है, Pn n बराबर k के लिए भी सत्य। Pn n बराबर k प्लस m के लिए सत्य होना चाहिए। यहां पर हमें ध्यान देना है, जैसे किसी गणितीय कथन को सिद्ध करना है तो हमें दो बात का विशेष ध्यान। पहला n बराबर 1 के लिए उसको सत्य करेंगे, दूसरा n बराबर k के लिए भी वो सत्य होगा। और तीसरा जब ये दोनों हो गए, इन दोनों के आधार पर हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें दिखाना होगा कि वह सत्य है। अगर वह n बराबर k प्लस 1 के लिए वह सत्य है तो हमारा जो गणितीय कथन है
वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यन के लिए भी सत्य होगा। अब इसको ध्यान से एक बार और समझ लो, जैसे कोई गलती कथन कियन है तो हम लोग पहले चेक करेंगे अनुरार एक के लिए सत्य है, अच्छा वो सत्य है ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे ये अनुरार के लिए भी सत्य है उसको मान लेंगे, अगर ये सत्य है तो इसको मान लेंगे अनुरार के लिए भी वो सत्य है ठीक। अगर यह अनुरार एक के लिए सत्य है तो ये वाला माना जाता है ठीक। अब इन दोनों को संयुक्त करने पर, इन दोनों को संयुक्त करने पर अगर कथन हमारा एन बराबर के प्लस वन माने संयुक्त करने पर ये कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य हो जाता है, तब हमारा जो गलती कथन होता है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एन के लिए भी सत्य होगा। फिर से समझ लो हम क्या बोल रहे हैं, पहले जो हमें क्वेश्चन दिया रहे जैसे पी एन कोई कथन है इसको सिद्ध करना है कि अब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है, तो हमें सबसे पहला काम एन बराबर के लिए चेक करना है, दूसरा काम एन बराबर के लिए भी सत्य होगा इसको मानना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाकर हमें एक तीसरा उत्पन्न करना है, तीसरा एक यह उत्पन्न करना है कि एन बराबर के प्लस वन के लिए भी यह सत्य हो रहा है। अगर इन दोनों को संयुक्त से तीसरा आ गया तो हमारा ये जो प्राकृतिक संख्याओं के लिए दिया गया कथन पीएन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए सत्य है तो सत्य हो जाएगा ठीक है। अच्छा अभी हम जो है गणितीय आगमन के सिद्धांत के आधार पर कुछ उदाहरण द्वारा हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं, पूरा स्पष्ट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिए गणितीय सिद्धांत पर आधारित प्रश्न क्या है, प्रमेय सौ संख्या अथवा अन्य श्रेणियों के योगफल को सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न वाला यह तीन भाग में बांटा गया है, दूसरा जब कोई व्यंजक किसी पूर्णांक अथवा अन्य व्यंजक से विभाजित हो और आधारित प्रश्न, और तीसरा दी गई संख्या को सिद्ध करने पर आधारित प्रश्न। हम आज तीनों का एक एक उदाहरण दे रहे हैं और उसके बाद कल एक्सरसाइज कराएंगे, मतलब अगले वीडियो में एक्सरसाइज। अब तीन प्रकार के प्रश्न में पहला प्रकार का हम प्रश्न लेते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एन एलिमेंट एन के लिए 2 + 4 + 6 + 2n = n+1 ये होता है, हमें गणितीय आगमन के सिद्धांत से इसको सिद्ध करना है ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए तीन स्टेप, पहला एन बराबर एक के लिए सत्य देखिए, दूसरा एन बराबर के लिए सत्य मानना पड़ेगा, अब इसको मानने के बाद हमें एन बराबर के प्लस वन भी लाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए एन बराबर एक के लिए 2 + 4 + 6 + 2n n+1 पहला चरण एन बराबर एक के लिए, एन बराबर एक के लिए यहाँ पहला एन बराबर एक मतलब पहला पद, एन बराबर टू रहेगा दूसरा, एन बराबर थ्री रहेगा तीसरा, बात समझ में आया, एन बराबर एक के लिए क्या हुआ इस साइड 2 है, इस साइड एक रखी 1 और 1 + 1 2 = 1 × 2 एन बराबर एक के लिए सत्य है, क्या है एन बराबर एक के लिए सत्य है, ये सिद्ध हो गया सत्य है एन बराबर एक के लिए सत्य है, आप लिखेंगे एनबराबर के लिए यह क्या है सत्य है, ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा चरण माना, दूसरा चरण क्या होगा, माना एनबराबर के लिए भी सत्य होगा ठीक, एनबराबर के लिए करना है तो 2 × 4 × 6 · 2k = k और k प्लस वन, इसको हम मान लीजिए सत्य है ठीक। अब देखो हमें लाना क्या है, एन बराबर के प्लस वन लाना है, हमें क्या लाना है एन बराबर के प्लस वन, तो के प्लस वन रखेंगे एन बराबर इस साइड कितना होगा के प्लस वन या के प्लस टू, हमें क्या लाना है के प्लस वन या और के प्लस वन प्लस वन यानी के प्लस टू, अगर हम इतना ला दिए किसी भी तरीके से इतना इस साइड तो हमारा जो है एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य होगा,
फिर से समझो, हमारा क्वेश्चन है ए, हमारा एन प्लस एन, एन प्लस वन लाना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के तीन तरीके, पहला एन बराबर ए के लिए सिद्ध करिए दोनों पक्ष बराबर, मान लीजिए एन बराबर के लिए यह सत्य है। अब इन दोनों का सहारा लेकर हमें क्या लाना है, यहाँ के प्लस वन, यहाँ के प्लस टू, मतलब जितना है उससे एक ठो आगे, समझ में आते। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, हम क्या करें, समीकरण एक के दोनों पक्षों में के प्लस वन, टू के प्लस वन जोड़ने पर अब हम लोग कैसे जानेंगे जोड़ा जाएगा, ध्यान से देखो उसका तरीका है। यहां टू के है, देखो यहां दो है, यहां चार है, यहां छह है, दो दो ठीक बढ़ रहा है, तो टू के में दो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कितना है दो, ये कितना है, ये कितना है चार, कई ठो बढ़ा दो, फिर आगे वाला कितना बढ़ा दो, तो ऐसे इसके आगे कितना होगा टू के प्लस दो, ऐसे यार टू के है तो आगे वाला कितना होगा टू के प्लस दो, तो टू के प्लस दो जोड़ो चाहे टू के प्लस दो ही जोड़ते हैं, चलो टू के प्लस दो। इसमें जोड़ने वाला कहां से आएगा, यहां से सेट करेंगे, ऐसे चलेंगे सीरियल से, दो है ये चार है ये छह है, मतलब दो दो ठो आगे बढ़ रहा है, इसमें भी आगे जोड़ दो, टू के प्लस टू जोड़ने पर जोड़ो दो प्लस चार प्लस छह प्लस प्लस टू के प्लस दो, ठीक दोनों पक्षों में जोड़ना है, इधर भी जोड़िए के के प्लस वन, फिर आगे क्या होगा टू के प्लस दो, ठीक। अब हमें क्या लाना है, ध्यान से देखो लाना क्या है, एन बराबर के लिए यह है हमें के प्लस वन लाना है, तीसरा स्टेप क्या है एन बराबर के प्लस वन, ये अपने से आना चाहिए, तो अपने से कैसे आएगा, यहाँ पर भी ये के प्लस वन आना चाहिए, यहाँ पर भी के प्लस वन, यहाँ पर भी के प्लस वन, तो यह के प्लस वन हो जाए के प्लस टू, देखो आ रहा है नहीं, इसको एक लाइन में लिखते हैं दो प्लस चार प्लस छह प्लस डाट डाट प्लस टू के प्लस डी कामन ले लिया के प्लस वन, अच्छा यहाँ पर के स्क्वायर प्लस के प्लस टू के प्लस टू, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, के कामन ले लिया, अरे यार एक मैं हम कर दे रहे हैं, के कामन ले लेंगे के प्लस वन, यहाँ प्लस दो कामन ले लिए के प्लस वन, फिर क्या होगा के प्लस वन, और फिर क्या होगा के प्लस टू, ठीक, फिर क्या होगा के प्लस वन, और यहाँ के प्लस वन प्लस वन, ध्यान से देखिए सेट करिए, जैसे एन बराबर के प्लस वन लिखेंगे तो के प्लस वन आ गया, फिर एन बराबर के प्लस वन लिखेंगे तो के प्लस वन ये हो गया, ये वाला प्लस ये वाला वन, यहाँ बात समझ आया ना, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पहले हम क्या करेंगे एन बराबर ए के लिए सत्य करेंगे सिद्ध करेंगे, उसके बाद माना है एन बराबर के लिए भी सत्य है, यहाँ पर टू के लिखे थे इस साइड इतना आया, अगर यहाँ पर टू के प्लस वन आ गया तो यहाँ के प्लस वन यहाँ के प्लस टू आएगा कि नहीं, जैसे यहाँ टू के है, ठीक, अगर हम यहाँ पर टू के प्लस वन लाए मतलब टू कोष्टक में, फिर से समझो एक तरफ से, जैसे कि एन बराबर एक लिए तो यहाँ पे दो आया, एन बराबर दो लेंगे तो दो लेंगे मतलब चार और दुई छ, दो धन चार आना चाहिए, ठीक, एन बराबर के लिए एन बराबर के मतलब एक पूरा का जोड़ प्लस, ठीक, एन बराबर टू के, एन बराबर के लिए हो गया, अब एन बराबर जब के प्लस वन लेंगे यह तो पूरा रहेगा ही प्लस के प्लस वन भी तो रहेगा, दो कोष्टक में के प्लस वन, तो देखो है ना दो कोष्टक में के प्लस वन, इस साइड क्या क्या होगा के प्लस वन प्लस वन, तो हम लोग कहेंगे अतः क्या है यहाँ पर, अतः उपरोक्त कथन
रूप है। कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। एन के लिए सत्य था, यहाँ पे एन था, के लिए सत्य होगा यहाँ के, यहाँ के, और के प्लस वन के लिए जब सत्य होगा यहाँ के प्लस वन होगा, यहाँ भी के प्लस वन होगा। तो देखो आया है ना, तो उपरोक्त कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। इस प्रकार दिया गया कथन प्रत्येक एन एलिमेंट एन के लिए भी सत्य है। ये पहले टाइप का प्रश्न ऐसे ही करना है हमें, उसमें जोड़ा क्या जाएगा ऐसे, मतलब क्रम से चलेंगे ऐसे, और जो इसके आगे वाला टर्म आएगा उसी के दोनों पक्ष में जोड़ना है। जोड़ने के बाद हमें लाना क्या है उसको समझो। यहाँ पे जो है उससे एक अक्ष ज्यादा आएगा, जो यहाँ पे चर उपस्थित है वहां पे प्लस वन, जैसे यहाँ एन है तो देखो एन प्लस वन, यहाँ पे एन प्लस वन है तो एन प्लस वन, मतलब इसके स्थान पे एक तो ज्यादा आएगा। यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन, यहाँ पे एन है तो एन प्लस वन, बस हो जाए ना, ये पहले टाइप हो गया। कोई विषम धन पूर्णांक है तो सिर्फ ये एन कोष्ठक एन स्क्वायर माइनस एक कामा 24 विभाज्य, माने दूसरा टाइप का प्रश्न है। गणितीय आगमन सिद्धांत पर आधारित तीन प्रकार के प्रश्न होते, पहला हो गया, दूसरा चल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज बात विषम और सम, जब भी आए तो सम के लिए हम लोग एम के स्थान पर एक 2m रखेंगे, एम के स्थान में 2m सम के लिए, और विषम के लिए एम के स्थान में 2m प्लस 1, मतलब रखकर पहले सवाल को बदल लेंगे अपना, मतलब जो क्वेश्चन है इसको पहले हम चेंज कर लेंगे। तो क्वेश्चन को कैसे चेंज करोगे, पहले हम लिखेंगे, तो जो हमारा प्रश्न है इसको हमको बदलना है। कैसे बदलेंगे, एन बराबर प्लस वन, तो पीएम हमें पीएम बनाना है। पीएम क्या होगा, या 2m प्लस वन, 2m प्लस वन स्क्वायर माइनस, कितना होगा 2m प्लस वन, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए, 2m प्लस वन प्लस वन। दूसरे में क्या होगा 2m प्लस वन माइनस वन, 2m प्लस वन, 2m प्लस टू, 2m। ठीक, हमारा हो जाएगा, दो कामन ले लेंगे यहां से 2 और यहां से 2, ये हमारा हो जाएगा m प्लस वन और 2m प्लस वन, 4m और m प्लस वन, 2m प्लस वन। अब हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे pn था, ए pn एन कोष्ठक एन स्क्वायर माइनस एक, अब हमारा पीएम से सवाल लगेगा, हमारा प्रश्न ये हो गया। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से सवाल लगाएंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, ए वाला 2 यहाँ है और इसमें के जो 2 कामन ले लिए यहाँ है, ए वाला एम यहाँ है। ठीक, ए वाला भाग यहाँ है, जब 2 कामन लेंगे तो m प्लस वन बचेगा यहाँ है, हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो पहला स्टेप लेते हैं, पहला स्टेप क्या है, पी वन एक के लिए चेक करते हैं क्या है 24 से विभाज्य है, पी एक बराबर हो जाएगा 4 गुणे, या ऐसे लिखो m बराबर एक के लिए, पी एक बराबर हो जाएगा 4 गुणे एक, एक प्लस एक, 2 गुणे एक प्लस एक हो जाएगा 4, यहाँ बंद हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 कम 2 3, तो 3 गुणी 6 तक 24, ये 24 आ गया। तो 24 जो 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है, या 24 से विभाज्य है
तो हम लोग क्या करेंगे, अतः इसलिए इसलिए सत्य है। यम बराबर के लिए क्या है कथन, सत्य है। यम बराबर के लिए कथन क्या है, सत्य है। हमें चेक करना है दूसरा स्टेप में क्या होता है, हमें एम बराबर के लिए चेक करना है। माना एम बराबर के लिए भी एम सत्य है, इसका क्या हो जाएगा, पी एम बराबर हमारा है, पी एम बराबर क्या है, 4m यहाँ पे m प्लस 1 2m प्लस 1, तो एम बराबर के लिए करना है, एम बराबर के लिए करना है पी के बराबर का 4k के प्लस 1 2k प्लस 1 भी 24 से विभाज्य है, क्या है, 24 से विभाज्य है। पहला स्टेप में क्या करना होता है, एम बराबर के लिए चेक करना है 24 से विभाज्य तो हाँ है। दूसरे में क्या करना है, एम बराबर के लिए भी पी एम 24 से विभाज्य है, यहाँ पूरा लीजिए 24 से विभाज्य है, तो 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसलिए 4k k प्लस 1 2k प्लस 1 बराबर 24 लैम्डा, ये कैसे होगा, ध्यान यहाँ 24 लिख देंगे, यहाँ 4k k प्लस 1 और 2k प्लस 1, ये 24 से कट गया, 24 से कट गया, तो यहाँ कुछ भागफल रहा होगा, वो भागफल लैम्डा मान ले रहे हैं, अब शेष क्या आएगा, 0, ठीक। तो भाज्य बराबर क्या आता है, भाजक में भागफल धन शेष फल, इतने बराबर 24 लैम्डा हम रख सकते हैं ना, ये समीकरण नंबर है। अब तीसरा चरण इसमें क्या देखना है, इसमें दोनों तरफ जोड़ना घटाना नहीं है, इसमें सीधा यम के स्थान यम बराबर के प्लस 1 लेते हैं, यम बराबर के प्लस 1 के लिए हम लोग देखते हैं 24 से विभाज्य हो रहा है, अगर एम बराबर के प्लस 1 के लिए 24 से कट जाएगा तो हमारा ये जो स्टेटमेंट कथन दिया है वो सत्य हो जाएगा, तो चेक करते हैं, एम बराबर के प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, इसलिए पी के प्लस 1 बराबर 4k प्लस 1 यहाँ कितना हो जाएगा, के प्लस 1 प्लस 1 यहाँ दूरी पोस्टर में के प्लस 1 प्लस 1 जहां जहां की है वहां हम क्या लिख दी, के प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1, सरल करो 4 के प्लस 1 के प्लस 2 ये हो जाएगा 2k प्लस 2 प्लस 1, ठीक। हमें क्या क्या ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, 4 के प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2k प्लस 3, ठीक। अब हमें इसको सिद्ध करना कि 24 से विभाज्य है, तो कैसे सिद्ध होगा, आप देखिए अब क्या होगा, 4 और k प्लस 1 के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4k प्लस 1 इसको छोड़ के क्या लिख सकते हैं, 24 बटा के 2k प्लस 1, 24 बटा के 2k प्लस 1 किसके स्थान लिख सकते हैं, 4k प्लस 1 बराबर हो जाएगा 24 लैम्डा अपान 24 लैम्डा अपान के 2k प्लस 1 के 2k प्लस 1, ठीक। ये समीकरण एक से कहां से है, समीकरण एक से, समीकरण इसी इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं, लिखिए इन दोनों का स्थान क्या लिखेंगे, 24 लैम्डा अपान के 2k प्लस 1 और हो गया है, तो यहाँ क्या बचा, k प्लस 2 ये 2k प्लस 3। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं हम लोग,
क्वेश्चन देखिए, 24 गुणे 24 लेमडा कोष्टक में ए प्लस टू टू के प्लस थ्री बटा के टू के प्लस वन, ये हमारा हो गया पी के प्लस वन। अब देखिए क्या यह 24 से विभाज्य है, एक आंसर है हाँ। क्यों है? क्योंकि इसमें 24 गुणा के रूप में खुद 24 से जब भाग देंगे 24 कट जाएगा, समझ आए नहीं? यह 24 से विभाज्य है कि नहीं है? इसमें 24 से भाग देंगे 24 कट जाएगा, तो p के प्लस वन भी 24 से विभाज्य है, यहां लिखेंगे। अतः p के प्लस वन 24 से विभाज्य है, विभाज्य है। इस प्रकार दिया गया कथन, दिया गया कथन यम के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, दिया गया कथन यम के प्रत्येक, यम के लिखे लिख रहे हैं, यम के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। तो हमें दूसरे में क्या करना है, सबसे पहले n बराबर एक लेना है, फिर k मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद k प्लस वन को भी देखना है वो विभाज्य है कि नहीं। ठीक, फिर टाइप का प्रश्न होगा, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2n > n। अब इसको हम कैसे करेंगे, 2n > n यह संख्या है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करें, वही पहला चरण n बराबर एक के लिए क्या होगा, 2n1 दो बड़ा एक, सत्य कि नहीं? सत्य है, क्या है, दो एक से बड़ा है ना, सत्य हो गया। इसमें पीएन नहीं मानेंगे क्योंकि असंभव क्या है। दूसरा स्टेप लेंगे एन बराबर के, ये भी धन पूर्णांक है, क्या है, ठीक, एन बराबर के धन भी है पूर्णांक भी है, एन बराबर के लेंगे क्या हो जाएगा, 2n > k, ये समीकरण नंबर एक। यहां माना एन बराबर के लिए, यहां माना लिखे, माना एनवा के लिए भी सत्य है, क्या है, ठीक। हम क्या करेंगे अब, इसके सहायता से यहां भी के प्लस वन लाना है, यहां भी के प्लस वन लाना है, कैसे लाएंगे उसको देखो ध्यान से। तीसरा स्टेटमेंट अपने स्वयं मतलब इसका हेल्प लेके लाना है, वो कैसे होगा ध्यान देखो, यहां के प्लस वन लाना है तो दो से गुणा कर दें दोनों पक्षों, समीकरण एक के, समीकरण एक के दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर, गुणा करने पर कितना है, 2n > 2 ये हो जाएगा, गुणा में घात जोड़ा जाता है, 2n + 1 > k + 1 k + 1 k + 1 k, ठीक है। अब देखो k प्लस k से यह बड़ा है, यह भी एक से बड़ा धन पूर्णांक, यह भी एक से बड़ा है, क्यों, क्योंकि k जब धन पूर्णांक है तो सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या होता है, एक, उसके बाद जो भी धन पूर्णांक होगा वह एक से बड़ा होगा, भाई सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या है, एक है, उसके बाद जो भी धन पूर्णांक होगा वह एक से बड़ा होगा, तो k किससे बड़ा है, एक से बड़ा है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n + 1 > k + 1, क्यों, देखो k प्लस k बड़ा एक, तो k प्लस k बड़ा होगा एक प्लस k से, तो k प्लस k एक प्लस k से बड़ा है, ठीक है। अब ध्यान दो,
इससे बड़ा यह है, ऐसे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, समझ आ रहा है ना। तब यह जो है इससे बड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा, राम से बड़ा श्याम, श्याम से बड़ा मोहन, तो मोहन राम से तो बड़ा होगा ही। या जिसको हम लोग एक लाइन और लिखते हैं, टूपा के प्लस वन बड़ा के प्लस वन, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, के प्लस के बड़ा होगा ए प्लस के से, तब इसको बीच वाले को हटा दो, हमारा हो जाएगा यह संबंध। इस प्रकार दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। आप लिखेंगे इस प्रकार दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है। तो हमारे जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है उसमें पूरे चैप्टर में ये तीन टाइप के प्रश्न जो है मिलेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसको जो है हर एक प्रकार का जो पहले तीनों प्रकार के प्रश्न है उसको अच्छे से पहले अभ्यास कर लें। जब यह अभ्यास हुआ रहेगा तो हम जो है अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 मतलब इसका जो एक्सरसाइज है उसको पूरा करवाएंगे। तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना इसमें है बस उतना ध्यान दीजिए, उसके बाद हम जब वो वाला एक्सरसाइज करवाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा।